आज के सेशन में हम फर्स्ट ईयर का लास्ट यूनिट यूनिट नंबर 11 से जो क्विज कंडक्ट किया था उसका सोल्यूशन देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का कौन सा ऑर्डर जो है वो करेक्ट है। तो हमें पता है कि जो वी आर एम एस होता है वो इक्वल होता है अंडर रूट 3 का फैक्टर होता है, बाकी जो आर टी ओवर एम वो तो सब में होता है। तो कंपेरिजन में हमेशा जिनों को एक्सक्लूड कर दिया जाता है अपनी आसानी के लिए, और एवरेज के लिए वी एवरेज होता है उसमें फैक्टर होता है अंडर रूट 2 का, और जो मोस्ट प्रोबेबल है उसके लिए जो फैक्टर होता है वो होता है अंडर रूट 8 बाई पाई। अब पाई हमें पता है कि होता है 3.14, तो इसको आप 3 ही लिख दें। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 8 डिवाइडेड बाई जो 3 है ये आपको कम अज कम आंसर 3 तो नहीं दे सकता, क्योंकि 3 आंसर हमें तब मिलेगा जब 9/3 होगा, तो फिर आपको आंसर 3 मिलेगा, अंडर रूट 3 मिलेगा। तो क्योंकि 8 9 से लेस, इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई नंबर जो है वो 2.7 या 8 इस तरह नंबर मिलेगा। तो ये नंबर 1 पे सबसे ज़्यादा, ये नंबर 2 पे, और ये 3rd पे, यानी और में सबसे ज़्यादा, फिर मोस्ट प्रोबेबल, और आखिर पे जो है वो एवरेज है ये। ऑक्सीजन के लिए Cp-Cv=A है, और हाइड्रोजन के लिए Cp-Cv(b) है। तो ए और बी के दरमियान आपस में क्या रिलेशनशिप है, तो ये मैंने आपको बताया था कि जो Cp-Cv है ये हमेशा इक्वल टू आर होता है, और किसी किस्म की भी गैस हो सब के लिए ये वैल्यू, क्योंकि यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट है, तो ये सब के लिए सेम, इसका मतलब है ए और बी आपस में इक्वल है, और वो दोनों क्या चीज़ें हैं, वो दोनों आर हैं। दिस इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज 44,200, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ 2 kg। तो ये 2 kg आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ था। कुछ चीज़ें हैं जो कि कॉन्स्टेंट होती हैं, जिसमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू एस हो गया, म्यू के हो गया, यंग मॉडुलस हो गया, थर्मल कंडक्टिविटी के हो गया, इसके अलावा आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट जो होता है अल्फा और बीटा, इसके अलावा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होती है आपकी, ये सारी की सारी चीज़ें, और इसके अलावा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सी हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें जो है ये प्रॉपर्टी जो है ये मीडियम की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करते हैं, मीडियम डिपेंड करते हैं, सब्सटेंस पे डिपेंड करते हैं, ये फिजिकल डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करते, फिजिकल प्रॉपर्टीज पे डिपेंड नहीं करते कि मैस 2 kg हो गया या लेंथ इतनी होगी तो क्या होगा, ये कांस्टेंट चीज़ें रहती हैं। तो लिहाजा 1 किलोग्राम की भी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4200 है, तो 50 किलोग्राम भी लेंगे तो फिर भी यही रहेगी। तो ये सारी चीज़ें आपको कन्फ्यूज करने के लिए, नॉन ऑफ द अबव ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 4 है, डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ वेपर इनटू सॉलिड, जी आपके पास होता है डेपोजिशन। सी वी की वैल्यू 5/2 आर दिया हुआ है, और सी पी की वैल्यू आपने फाइंड करना है, तो ये फॉर्मूला यूज करें, Cp-Cv=R, और इस तरीके से सी पी इक्वल हो जाएगा आर प्लस सी वी, और आर सी वी की वैल्यू लगा दें 5/2 R, एलसीएम लें तो ये बनेगा 2R+5R/2, और ये बन जाएगा 7R/2। दिस इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, एंट्रोपी ऑफ क्रिस्टल विच इज पेयरली ऑर्डर्ड फॉर्म, ये चीज समझने वाली थी कि क्रिस्टल है जो कि पेयरली ऑर्डर्ड फॉर्म में है। तो एंट्रोपी में क्या बताती है, एंट्रोपी तो बताती है रैंडमनेस के बारे में, डिसऑर्डर के बारे में, यानी जिस चीज में जितना ज्यादा रैंडमनेस होगी, जितनी ज्यादा डिस्टर्बेंस होगी, जितनी ज्यादा डिसऑर्डर होगा, उसकी एंट्रोपी उतनी ज्यादा होगी। तो चूंकि ये क्रिस्टल है जो पेयरली ऑर्डर फॉर्म में है, इसका मतलब है फिर इसकी एंट्रोपी क्या होगी, जीरो होगी, और जो 3rd लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो भी यही बताता है। 4 क्वेश्चन, सॉरी 7 क्वेश्चन, ओ टू ऑक्सीजन ओ टू है, सी पी ओवर सी की वैल्यू, सबसे पहले तो ये देखें कि सी पी ओवर सी वी होता क्या है, सी पी ओवर सी वी एक्चुअली होता है गैमा, और ओ टू क्या है, डाई एटॉमिक गैस है, तो गैमा फॉर डाई एटॉमिक कितना होता है, 1.4 होता है। क्वेश्चन नंबर 8, टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस इज इंक्रीज फ्रॉम 120 K टू 480 K, इफ एट 120 K द आरएमएस वैल्यू ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज वी, एट 480 इट बिकम, यानी 120 K पे जो गैस की वेलोसिटी है वो है वी, तो 480 केल्विन पे गैस की वेलोसिटी क्या होगी। तो बड़ा आसान सा फॉर्मूला आपके पास है, क्योंकि आरएमएस वैल्यू फाइंड करनी, तो वी आरएमएस का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है 3RT/m का स्क्वायर रूट। तो आप देखिए अपनी आसानी के लिए, ये 3 को भी छोड़ें, आर को भी छोड़ें, और एम को भी छोड़ें, क्योंकि इनका कोई कंसर्न नहीं है, क्योंकि आइडियल गैस फिक्स हो गया, लगा मैस फिक्स हो गया, आर वैसे भी कांस्टेंट है, 3 वैसे भी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब हमारा तल्लुक सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर के साथ है। तो जब टेम्परेचर है 120 K, उस वक्त स्पीड है वी, तो 480 के लिए आप देखते हैं क्या होता है, तो अब 480 यहाँ पे पुट करें, तो अब वी प्राइम हमने देखना, ये हमारी वेलोसिटी वी प्राइम, देखते हैं वी प्राइम कितनी निकलती है। तो 480 को हम लिख सकते हैं 4 × 120 आगे वी प्राइम, और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, और आगे आ गया 120 इज इक्वल टू वी प्राइम। अब ये 120 जो है ये अभी हमने ऊपर देखा था कि ये किसके इक्वल है, ये वी के इक्वल है, तो इस तरीके से हमारा आ गया 2V इज इक्वल टू वी प्राइम, यानी 480 पे जो आपकी वेलोसिटी आएगी वो 2V आएगी, क्योंकि इसके रूट की टर्म इन्वॉल्व है। तो यहाँ से भी आपको गैस हो जाना चाहिए था कि इसके रूट की टर्म भी है, कुछ ने यहाँ पे ये समझ लिया था कि चूंकि ये 4 गुना है टेम्परेचर, चूंकि 4 गुना बढ़ गया तो लिहाजा वेलोसिटी भी 4 गुना बढ़ जाएगी, ये नहीं पता कि उसके अंदर इसके रूट भी इन्वॉल्व है। क्वेश्चन नंबर 9, ए कार्नोट इंजन हैज द सेम एफिशिएंसी बिटवीन 100 K एंड 500 K, टी एंड 900 K, यानी दो टेम्परेचर उसने दे दिए और दोनों पे वो करप्शन ही सेम है, यानी एन इज इक्वल टू ये n1 1 - t2/t1, तो n1 तो ईटा वन इज इक्वल टू 1 - t2 500, t1 आपका 100 है, और इस तरह ईटा 2 जो है उसमें आप लिखेंगे 1 - t2 की जगह आ जाएगा 900 और t, ये क्योंकि तरतीब देखें तो ये जो है ये t2 है और ये हमारा t1 है, सिमिलरली यहाँ पे भी ये t2 होगा और ये वाला जो है ये t1 है। यहाँ पे उल्ट हो गया फिर इस हिसाब से, ये t2, तो t2 हो गया यहाँ पे 100 और यहाँ पे हो गया
500, और इस हिसाब से वहाँ पे T2 जो है वो सी है और T1 जो है वो 900 है जी। ये टी और नीचे आ गया 900। वो कह रहा है कि दोनों की एफिशिएंसी सेम है, यानी ये वाली एफिशिएंसी और ये वाली एफिशिएंसी आपस में सेम है। ईटा 1 इज इक्वल टू ईटा 2, तो 1 माइनस 100 ओवर 500 इक्वल हो जाएंगे 1 माइनस टी ओवर 900 के। तो ये 1 और 1 आपस में कट गया, माइनस और माइनस आपस में कट गया, तो टी इक्वल आ जाएगा 100 ओवर 500 मल्टीप्लाई बाई 900, 2 0 आपस में कट गए और 520 आपस में कट गए। इस तरीके से आपका जो टी है वो आ जाएगा 180 केल्विन। दिस इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 है, ए हीट इंजन इज डूइंग वर्क विदाउट टेकिंग हीट फ्रॉम सोर्स, यानी एक हीट इंजन है जो कि सोर्स से हीट लिए बगैर ही वर्क कर रहा है। इट इज क्लियर वायलेशन ऑफ विच लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स के कौन से लॉ की वायलेशन कर रहा है? तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की वायलेशन कर रहा है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बताता है, और इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट में जो एनर्जी है वो कंजर्व नहीं रहे, क्योंकि वो कह रहा है कि बगैर सोर्स से हीट लिए बगैर वो वर्क कर रहा है, तो ये तो हो ही नहीं सकता कि सोर्स से हीट लिए बगैर वो वर्क करता चला जाए। और इसके अलावा 11 क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ गैमा इज 1.66 फॉर द गैस एक्स, कोई गैस एक्स है उसके लिए गैमा की वैल्यू जो है वो 1.6 है, एक्स विल बी। तो पहले तो ये समझें कि गैमा 1.66 किसके लिए होता है, मोनो एटॉमिक के लिए होता है। मोनो एटॉमिक के लिए गैमा की वैल्यू जो है वो 1.67 होती है, इसका मतलब एक्स कोई मोनो एटॉमिक गैस है। तो ये नियॉन जो है ये मोनो एटॉमिक गैस है, बाकी ये ट्राई एटॉमिक है, डाई एटॉमिक है, ये भी डाई एटॉमिक है। दिस इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12, द इंटरनल एनर्जी ऑफ मोनो एटॉमिक आइडियल गैस, मोनो एटॉमिक आइडियल गैस की जो इंटरनल एनर्जी होती है वो सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी को आप अज्यूम करते हैं कि वो जीरो होती है। 13 क्वेश्चन, फॉर विच प्रोसेस इज द रिलेशनशिप डी क्यू इज इक्वल टू डी यू ट्रू, कौन सा प्रोसेस है जिसमें डी क्यू इज इक्वल टू डी यू ट्रू होता है? तो हमारे पास बेसिकली जो फॉर्मूला होता है वो होता है डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डब्ल्यू। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि डब्ल्यू की टर्म नहीं, इसका मतलब डब्ल्यू उसने जीरो किया, और डब्ल्यू होता है पी डेल्टा वी, मतलब डेल्टा वी जीरो है। डेल्टा वी जीरो किस प्रोसेस के लिए होता है? आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए डेल्टा वी जीरो होता है, लिहाजा दिस इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 है, द नंबर ऑफ स्पेसिफिक हीट फॉर गैस, किसी भी गैस के लिए दो किस्म की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, एक होती है सीपी और एक होती है सीवी। मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। लास्ट क्वेश्चन, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन कैन बी इंक्रीज बाय, तो पहले तो आप एफिशिएंसी का फार्मूला लिखें, तो ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस टी टू ओवर टी वन है। तो एफिशिएंसी इंक्रीज करने के आपके पास तीन तरीके हैं, या तो इस टर्म को आप मिनिमाइज कर दें टी टू को, यानी टेम्परेचर ऑफ सिंक को आप कम कर दें, या आप क्या करें इसको आप मिनिमम कर दें, पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप इस टी वन को बढ़ा दें, क्योंकि जब ये बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली इसका आंसर, असल में हम क्या चाहते हैं, असल में हम जो सेकंड फैक्टर इसकी वैल्यू मिनिमम चाहते हैं, क्योंकि वन में से कुछ माइनस हो रहा है ना, तो हम चाहते हैं कि वन में से कम चीज़ माइनस हो, तो कहते हैं वन में से जीरो माइनस हो, ठीक है, ताकि वन माइनस जीरो वन आ जाए, और वन का मतलब होता है 100%। तो हम चाहते हैं कि ये जो सेकंड फैक्टर है ये हमारा मिनिमम हो, यानी अप्रोचेस टू जीरो। तो अप्रोचेस टू जीरो करने के दो तरीके हैं, या तो आप टी टू को बहुत कम कर दें, यानी टेम्परेचर ऑफ सिंक को बहुत घटा दें, या फिर आप सोर्स का टेम्परेचर बहुत बढ़ा दें, और तीसरा ये है कि आप टी वन और टी टू का जो डिफरेंस है ये बहुत ज़्यादा कर दें। तो ये भी वही बात है, जब ये वाला मैक्सिमम होगा और ये वाला मिनिमम होगा तो दोनों का जो आपस में डिफरेंस होगा वो भी बहुत ज्यादा होगा। तो ऑल ऑफ द अबव जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि इनमें यही बातें हो रही है कि टेम्परेचर ऑफ सोर्स बढ़ा दें, सिंक का टेम्परेचर कम कर दें, डिफरेंस ऑफ सोर्स एंड सिंक वो बढ़ा दें, तो ये तीनों ही करेक्ट है। तो ऑल ऑफ द अबव।